नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार दोपहर को मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा। विमान को पुशबैक देने वाली गाड़ी में लगी आग, दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर पाया काबू। जामनगर जा रहे सभी 85 यात्री सुरक्षित। राज्य में 2 महीनों से चल रहे एसटी आंदोलन के निपटारे को लेकर मुंबई में हुई मैराथन बैठक। शरद पवार व अनिल परब के साथ एसटी प्रतिनिधियों ने की चर्चा। एसटी महामंडल को खत्म होने से बचाने का किया आह्वान। और नागपुर जिले में सोमवार को फिर मिले 971 कोरोना पॉजिटिव। बढ़ रहे पॉजिटिव मामलों के बीच आज रात से नागपुर जिले में लगाए जा रहे हैं और कठोर प्रतिबंध। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार को बड़ा हादसा हुआ, जब विमान को पुशबैक देने वाली गाड़ी में अचानक आग लग गई। इस दौरान विमान में यात्री भी सवार थे। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ी घटना होने से टल गई। विमान को पुशबैक देने वाली गाड़ी में अचानक आग लग गई। यह घटना दोपहर 1 बजे के करीब हुई। खबर के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट A1647 को पीछे से धक्का देने वाले एयरक्राफ्ट टग में आग लग गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त यात्री विमान में मौजूद थे। इस विमान में करीब 85 यात्रियों को जामनगर जाना था। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम टग पर आग बुझाते दिख रही है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में प्लेन के किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट के PRO ने बताया कि मुंबई जामनगर फ्लाइट में 85 यात्री सवार थे, तभी अचानक पुशबैक टग में आग लग गई। इस घटना के तुरंत बाद दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि 10 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फ्लाइट के पुशबैक टग में आग के गुबार के साथ ही तेजी से काला धुआं उठता दिखाई दे रहा था। वही दमकल विभाग के कर्मचारी पानी डालकर आग बुझा रहे। दमकल विभाग की मुस्तैदी के बाद आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ी घटना होने से बच गई। महाराष्ट्र राज्य में पिछले 2 महीने से एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। राज्य भर में एसटी बस के पहिए थमे हुए हैं, जिससे राज्य सरकार के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई अहम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं सोमवार को मुंबई में एसटी कर्मचारियों के आंदोलन के निपटारे को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें एसटी कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखकर कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। हमेशा से सड़कों पर दौड़ने वाली लाल परी यानी एसटी बस के पहिए पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में थम गए हैं। एसटी कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार में शामिल होने की मांग करते हुए पिछले 2 महीने से काम बंद आंदोलन पर है। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा नुकसान आम यात्रियों को हो रहा है, साथ ही राज्य सरकार को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। अब तक एसटी बसें बंद होने से करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। वही ऐसा ही नुकसान एसटी कर्मचारी भी झेल रहे हैं। आंदोलन के चलते हजारों कर्मचारियों को निलंबित किया गया। ऐसे में उन पर अपने परिवार के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है। परिवार का पेट कैसे भरे, इसकी चिंता उन्हें सताई जा रही है। वही कई कर्मचारियों ने तो इस चिंता से परेशान होकर आत्महत्या तक कर ली। फिर भी राज्य सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन कर्मचारियों के वेतन में कुछ प्रतिशत की वृद्धि जरूर की। लेकिन कर्मचारियों को बस इतना मंजूर नहीं है। उन्होंने एसटी परिवहन महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग पकड़ रखी है। वही सोमवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के निपटारे को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान एसटी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब से चर्चा की। लंबी चर्चा के बाद प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न एसटी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने एसटी कर्मचारियों से तत्काल कार्यभार ग्रहण करने की अपील की। इतना ही नहीं, इस बार एसटी मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने गुणरत्न सदावर्ते पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती की, अब वे वकील बदल रहे हैं। पिछले 2 माह से धरना चल रहा है, अब समाधान की संभावना है। मी विजय मालोकर, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना। वंदनीय शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं होतं की धंदा जगला
व्यवसाय जगला तर कर्मचारी जगेल आणि त्या अनुषंगाने आज ज्या सकारात्मक गोष्टी या मीटिंगमध्ये झालेल्या आहेत त्या अनुषंगाने सर्व कामगारांना प्रामुख्याने महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना मी आवाहन करतो की सर्वप्रथम आपण आता प्रवाशांच्या सेवेसाठी रुजू व्हावं आणि हे केल्याशिवाय आपल्याला कोणतंही गत्यंतर नाही आहे आणि हा व्यवसाय आपल्याला जगवायचा आहे वाढवायचा आहे आणि एसटी कर्मचारी देखील याच्यामध्ये होरपळत आहे तो होरपळला नाही पाहिजे आणि कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी आपण सर्वांनी आता आपली आपल्या कामावर रुजू व्हावं ही महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या वतीने मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. आपण आता पाहिलं असेल की माननीय पवार साहेब शरद पवार साहेब परिवहन मंत्री परब साहेब आणि 21 संघटनांचे सर्व पदाधिकारीची मीटिंग झाली आणि ज्या काही पगारवाढीमध्ये त्रुटी वगैरे होत्या त्या भरून देण्याच्या आणि जे कामगार खरोखर प्रामाणिक आहेत त्यांच्यावर कोणा जर कामावर येत असतील तर त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही असं स्पष्ट शब्दामध्ये सन्मान्य परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. माझं कामगारांना एकच आव्हान आहे की आपण आता कोणाच्याही भरोश्यावर न राहता आपल्या रोजीरोटीसाठी या महाराष्ट्राच्या हितासाठी आज ग्रामीण भागातील जनतेची केवढी केवढे हाल होत आहेत. हा कोविडचा पिरियड चालू आहे आणि अशा वेळेला जर आपण जनतेला भेटीशी धरलं तर ते बरोबर नाही आणि जर तुमचे प्रश्न सुटले नाहीत तर महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेना ही नेहमीच कामगारांच्या हितासाठी भांडली आहे ह्यापुढेही भांडत राहील. परंतु तुम्ही प्रथम कामावर येऊन जा बघा तुम्हाला जे काय पैसे दिलेले आहेत 5,000, 8,000, 2,500 त्याच्यामध्ये 40% वर्णन परत परिवहन सेवेवर येणार आहे. अशा प्रकारे चांगलं असताना जर आपण आपला शब्द पाळला नाही तर बरोबर नाही. आपण कोणाच्याही आहारी जाऊ नका कारण शेवटी पोटाला जात धर्म नसतो. आपलं कुटुंब आहे आपल्या सर्व कुटुंबाचा विचार करून या महाराष्ट्राच्या हितासाठी जनतेच्या हितासाठी आपण सर्व एसटी कामगारांनी पुन्हा कामावर यावं ही माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे. धन्यवाद. इस बैठक में एसटी प्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारियों को भड़काने का काम वकील सदावर्ते ने किया है. साथ ही वकील सदावर्ते खुद भ्रम में है इसलिए उन्होंने कर्मचारियों के मन में भी एसटी महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग का भ्रम निर्माण किया है. इस बैठक में एसटी प्रतिनिधियों ने बताया कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और मंत्री अनिल परब के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिए गए हैं. जैसे कि जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है उन्हें काम पर वापस लिया जाएगा. साथ ही वेतन में भी वृद्धि कर हर महीने कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा. एसटी प्रतिनिधियों ने कहा कि एसटी गरीब जनता की सवारी है इसलिए जनता की सेवा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए और एसटी महामंडल को खत्म होने से बचाना चाहिए. ऐसा कहकर उन्होंने कर्मचारियों से तुरंत आंदोलन खत्म कर काम पर लौटने की अपील की. आज एसटीतल्या अनेक 11,000 अधिक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झालेली आहे डिस्मिसची कारवाई झालेली आहे आणि विलीनीकरणाच्या नावाखाली जे वकील आज कर्मचाऱ्यांना एक वेगळ्या पद्धतीनं संमोहित करण्याचा प्रयत्न करतायत त्यांच्यावर आता कारवाई नाहीये. त्या कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई होणार नाही याच्या संदर्भात सुद्धा परिपत्रक जाहीर होणार आहे. त्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस इंटक संघटनेच्या सर्व सभासद कार्यकर्त्यांना आणि एसटी कामगारांना आवाहन करतो की आपण कामावर यावं. एसटी मध्ये काम करणारी जी लोक आहेत ती सर्वसामान्य कुटुंबातली आहेत आणि आजच्या या संपामुळे ह्या सगळ्या लोकांच्या कुटुंबाची चूल बंद होण्याची वेळ वकील साहेबांच्या आक्रस्ताळेपणामुळे आलेली आहे. मी सातत्याने वकील साहेबांच्या विरोधात बोलत आलेलो आहे. लोकांच्या डोक्यामध्ये त्यांनी जो काय भ्रम निर्माण केलेला आहे ते जे सांगतायत विलीनीकरण त्यांच्या डोक्यामध्ये काय आहे कळत नाही. मला असं वाटायला लागलं की ते लोकांच्या लोक डिप्रेशनमध्ये असं म्हणतात. परंतु मला असं वाटतं या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्या समोर सांगू इच्छितो की वकील साहेब स्वतः डिप्रेशनमध्ये आलेले असावेत कारण तू लोकांना चुकीच्या पद्धतीने भडकवण्याचं काम त्यांचं चालू आहे. आज 2 वर्ष 2 महिने झाले हा जो संप चालू आहे याच्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातल्या जो कर्मचारी आहे त्याची रोजीरोटी बंद होण्याची वेळ आलेली आहे. आज आदरणीय पवार साहेबांनी आणि आदरणीय परब साहेबांनी आम्हाला एक खात्री दिलेली आहे की जी पगारवाढ झालेली त्याच्यातल्या ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करण्याची त्यांनी हमी दिलेली आहे. प्रेस वार्ता में एसटी पदाधिकारियों ने बताया कि वकील गुणरत्न सदावर्ते को हटा दिया गया है और उनकी जगह एसटी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील को नियुक्त किया जाएगा. बताया गया है कि वकील सतीश पेंडसे को अब बहस की जिम्मेदारी दी गई है. सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में
परिवहन मंत्री अनिल परब, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और एसटी कर्मचारी संघ के विभिन्न पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। इस एसटी कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी समिति के साथ हुई बैठक में हड़ताल का समाधान निकालने के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद कार्रवाई समिति को आश्वस्त किया गया, सरकार एसटी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर गंभीर है और साथ ही एसटी कार्यकर्ताओं से तत्काल काम शुरू करने को आग्रह किया है। बैठक में कुल 22 एसटी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह भी आश्वासन दिया गया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वही एसटी प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारी रोजी रोटी बनी रहे, हमारी एसटी बनी रहे, सामान्य परिवारों के कर्मचारियों का भी यही हाल है। विभिन्न एसटी कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बैठक से शंकाओं का समाधान हुआ है। एसटी कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि विलय के संबंध में अदालत का फैसला सरकार और एसटी कर्मचारियों दोनों को स्वीकार्य होगा। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद एसटी कर्मचारी क्या फैसला लेते हैं। क्या कर्मचारी काम पर लौटेंगे, लाल परी फिर सड़कों पर दौड़ेगी, यह समय ही बताएगा। मुंबई से वीकेबी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में कोरोना के साथ ही ओमिक्रॉन के मरीज भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए जिला व स्थानीय प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को अलर्ट मोड पर रखा है। दूसरी ओर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं सोमवार को नागपुर जिले में 971 पॉजिटिव मिले हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण से शहर भर में ऑन द स्पॉट आरटीपीसीआर जांच भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा नियमों का पालन न होना बताया जा रहा है। सोमवार को 9852 लोगों की जांच की गई है। इनमें से 971 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें शहर के 792 और ग्रामीण के 117 बल्कि जिले के बाहर के 62 मरीज शामिल है। सोमवार को जिले में स्वस्थ होकर 158 मरीज अपने घर लौटे हैं, जबकि जिले में 4158 एक्टिव मरीज है। इसलिए प्रशासन द्वारा सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने सोमवार को पांचपौली अस्पताल में बूस्टर डोज का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खुद को टीका लगाकर बुजुर्गों से आह्वान किया कि वे भी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाएं। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार नागपुर में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण शुरू हुआ, जिसे किशोरों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। वही कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर मरीजों को और बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने की तैयारी मनपा प्रशासन ने कर ली है। 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। पांचपावली अस्पताल में जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने बूस्टर डोज का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने खुद टीका लगाकर बुजुर्गों से बूस्टर डोज लेने का आह्वान किया। इस दौरान जिलाधिकारी आर विमला भी उपस्थित थी। वैक्सीनेशन 2 सुद्धा पूर्ण केले आणि आता बूस्टर डोज घ्यायला निघालोत, त्यामुळे काही काळजी करण्याचं कारण नाही।
आजच्या या प्रसंगी पुन्हा आपणाशी मी संवाद साधतो आहे। मला आनंद आहे की मी माझ्या जिल्ह्यातील नागरिकांना बूस्टर डोस मिळवून दिला। केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने सहकार्य केलेला आहे। जिल्हा प्रशासन आणि नगर प्रशासन हे दोन्ही या कामी पुढाकार घेऊन कामाला लागलेले आहेत। आपण सुद्धा आपल्या नजीकच्या, कारण आपल्या मोबाईलवर एखाद वेळेला SMS येईल, मेसेज येईल की आपण बूस्टर डोस घेऊ शकता, तो मेसेज वाचा। आणि समजा यदा कदा चुकीने तो तुम्हाला जर आला नसेल तर खात्री करून घ्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी, जवळच्या केंद्रामध्ये जाऊन किंवा जे नियंत्रण कक्ष आहेत आमचे त्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क करा। मला वाटतं याने निश्चितच आपणा सर्वांना समाधान मिळेल, आपल्या जीवितांचं रक्षण होईल आणि आपण आनंदी राहाल। पुन्हा एकदा माझ्याकडून पालकमंत्री या नात्याने हार्दिक शुभेच्छा, नमस्कार, जय भीम। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।